देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की कहानी हमारे साथ इंस्टाग्राम पर शेयर की है भरतपुर के रहने वाले हितेश जी ने। हितेश जी बताते हैं कि ये घटना तब की है जब मैं सिमको फैक्ट्री में एक वर्कर के तौर पर काम कर रहा था। मेरे साथ मेरे दो दोस्त भी थे, विजय और अजय। एक रोज काम का ओवरलोड होने की वजह से हम तीनों फैक्ट्री से निकले तो तब रात के 3 बज रहे थे। बाहर पूरी तरह खामोशी पसरी हुई थी, पर हम तीनों आपस में बात करते हुए पैदल ही घर के लिए चल दिए। फिर जब हम तीनों सुजान गंगा नहर के पास पहुंचे तो मेरी नज़र नहर के ठीक ऊपर हवा में उड़ती हुई एक चीज पर पड़ी। मैंने विजय से कहा, अरे विजय, वो क्या चीज़ है जो हवा में उड़ रही है? मेरे कहने पर विजय और अजय भी उस उड़ती हुई चीज की तरफ गौर से देखने लगे। मैं अभी उस ओर एकटक देख ही जा रहा था कि तभी विजय चिल्लाते हुए बोला, अरे भागो यहाँ से, नहीं तो मारे जाओगे। इससे पहले मैं कुछ पूछता कि मैंने देखा कि वो उड़ती हुई चीज अब हमारी तरफ बढ़े चले आ रही है। और जैसे ही वो चीज मेरे करीब आई तो मालूम हुआ कि वो एक उड़ती हुई चुड़ैल है जो चीखती हुई हमारी तरफ आ रही थी। हम तीनों ने भागना शुरू किया और वहां से भागते हुए जब हाईवे पर पहुंचे तो हमें एक बस आती हुई दिखाई दी। हम तीनों उस बस को देखते ही चिल्लाते हुए बोले, अरे बस रोको, अरे बस रोको। बस हमारे सामने से एकदम से चली गई, मगर बस की रफ्तार धीमी थी जिस वजह से हम तीनों बस में चढ़ने के लिए बस के पीछे भागे और जैसे तैसे बस में चढ़ ही गए। बस में चढ़ने के बाद जाकर हम तीनों को थोड़ी राहत मिली। मैं अभी सांस ही ले रहा था कि मेरा ध्यान इस बात पर गया कि बस पूरी खाली है। बस में बस ड्राइवर के अलावा और कोई दूसरा मौजूद नहीं है। फिर जब मैंने कहा, अरे भैया बस को थोड़ा तेज भगाओ ना, पीछे एक बहुत ही भयानक चुड़ैल पड़ी है, तो इस पर बस ड्राइवर को तो मानो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। जहां एक ओर हम तीनों की जान पर बनी थी तो वहीं वो बस ड्राइवर बड़े ही आराम से बस चलाया जा रहा था। तभी विजय उस पर भड़कते हुए बोला, अबे तेरे को सुनाई नहीं देता। विजय ने इतना कहा ही था कि वो बस ड्राइवर एकदम से उसी उड़ती हुई चुड़ैल में एकदम से बदल गया और ड्राइविंग सीट से उठकर हमारी तरफ जैसे ही बढ़ा कि विजय और अजय चलती बस से नीचे कूद गए। उन्हें कूदता देख मैं भी उसी वक्त बस से नीचे कूद गया और बस से कूदते ही बस अचानक से गायब हो गई और वहीं मैं सड़क की ढलान से लुढ़कता हुआ नीचे किसी गड्ढे में जा गिरा। जमीन भुरभुरी होने के कारण मुझे ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, मगर मैं अभी भी काफ़ी डरा हुआ था और मैंने तुरंत ही विजय और अजय को आवाज़ देते हुए कहा, अरे अरे भाई कहाँ हो तुम लोग। तकरीबन 4 से 5 बार आवाज़ देने के बाद भी जब दोनों की कोई आवाज़ नहीं आई तो मैं उस गड्ढे से बाहर निकला और उन दोनों को ढूंढने लगा था। तभी मेरी नज़र बगल के एक पेड़ पर गई जिस पर विजय उल्टा लटका हुआ था और उसका पेट बीच से फटा हुआ था। मैं उसी वक्त वहाँ से भागा और भागते भागते मैं कब गिर के बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया तो मैं हाईवे के साइड में पड़ा हुआ था। बाद में जब मैं उसी जगह पर पहुँचा जहाँ पर मैंने विजय की लाश देखी तो वो वहाँ पर नहीं था और मेरे दोस्त अजय का भी कुछ पता नहीं चला। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।